we कॉल them nouns, राइट right? तो जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो तो noun कहलाते ही हैं चाहे है वो पर्सन का नाम हो चाहे वो प्लेस का नाम हो चाहे वो थिंग का नाम हो जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं पर्सन्स कौन कौन से पर्सन्स हमारे जो नाम हैं वो तो होते ही हैं जैसे रीना पीना टी टीना वगैरह ये सब कुछ भी नाम है न ना। वो तो होते ही हैं लेकिन साथ ही डॉक्टर नर्स टीचर प्योन ये सब भी हैं राइट देन वी हैव प्लेसेस जैसे कि पार्क स्कूल हाउस टेम्पल ठीक है ये सारे भी प्लेसेस हैं इन सबको हम नाउन कहेंगे ओके okay? क्योंकि ये किसी न किसी प्लेस का नाउन नाम है नेम है राइट right? तो इसलिए ये भी नाउंस हैं ऐसे ही हॉस्पिटल भी हो सकता है या कोई सिटी का नाम जैसे कि देवास उज्जैन या फिर भोपाल मध्य प्रदेश या देश का नाम जैसे कि इंडिया ये सब भी नाउंस हो सकते हैं ओके देन वी हैव थिंग्स नेम्स कार कार्ड टैप टेप या फिर मोबाइल या फिर बॉक्स एलमरा टेबल कुर्सी जस्ट लाइक दैट ये सब भी थिंग्स हैं इसलिए ये भी इनके नेम भी जो हैं वो नाउंस में काउंट होंगे

ईच नेमिंग वर्ड इन द राइट ग्रुप यहाँ पर हमको तीन ग्रुप्स दिए हैं और ये जो नेमिंग वर्ड्स हैं हमको इनको इन तीनों ग्रुप्स में बांटना है करेक्ट ग्रुप में डालना है ठीक है चेक करें अभी अपन जैसे ये पिग है पिग एक, एक एनिमल का नाम है इसलिए उन्होंने पहले से ही पिग लिख दिया अब हम बाकी के ढूँढेंगे और यहाँ पे रख लिखते जाएंगे ठीक है चलो चेक करें फिर देन वॉट इज नेक्स्ट बॉय बॉय इज अ पर्सन देन गर्ल गर्ल इज़ ऑल्सो अ पर्सन ओके देन आउल आउल एक बर्ड का नाम है उल्लू होता है ना उसको आउल कहते हैं ठीक है तो फिर बर्ड का नाम है तो हम यहाँ पे डाल देंगे देन वी हैव गोट एनिमल्स नेम है क्रो बर्ड्स नेम है ईगल इट्स ऑल्सो अ बर्ड क्लर्क एक पर्सन के डेजिग्नेशन हो गया <coughs> इसलिए हम क्लर्क को पर्सन के नेम में डालेंगे देन डक डक इज़ ऑल्सो बर्ड्स नेम राइट देन टेलर टेलर भी एक पर्सन होता है अंकल भी पर्सन होता है फिर हमारे पास आया एप्पल और एप्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर थर्ड कैटेगरी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो हम एप्पल को फ्रूट्स में डाल देंगे अरे ये तो पहले से डाल दिया उन्होंने चलो नेक्स्ट चेक करें शीप है अनियन है शीप तो एनिमल्स में आ जाएगा अनियन गार्लिक हमारे वेजिटेबल में आ जाएगा हॉर्स हमारा एनिमल हो जाएगा कैमल भी एनिमल पैरेट तो बर्ड है फिर ये भी इतने सारे नेमिंग बर्ड्स हमारे बाकी हैं आई होप ये कैटेगरीज आप उसको डिवाइड कर देंगे सारे वर्ड्स को नेक्स्ट चेक करें नेक्स्ट है वोवल्स एंड कॉन्सोनेट्स हमने वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्योंकि ये एक रिविजन वीडियो है इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्टर पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है सो लेट्स चेक नाउ यू नो देर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट ये जितने भी लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक ये ट्वेंटी सिक्स होते हैं है ना ये तो सबको पता है फिर फाइव ऑफ दीज आर कॉल्ड वोवल्स इसमें से फाइव यानी कि ए ई आई ओ यू ये जो फाइव हैं ये वॉवल्स हैं ठीक है और द अदर ट्वेंटी वन आर कॉन्सोनेंट्स उनके अलावा जितने भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं से वॉट टू यू सी से वॉट यू सी इन ईच पिक्चर यहाँ पर जो भी पिक्चर में दिख रहा है हमको उसको बोलना है ठीक है और उसके बाद क्या करना है राइट द लेटर विथ विच ईच वर्ड बिगिनस हमको इसका लेटर लिखना है जो जिससे वो स्टार्ट होता है उसके बाद क्या करना है इट इट इज़ अ अ और फिर हमको ये भी डिवाइड करना है क्लासीफाई करना है कि वो वॉबल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से तो हमारे पास तो यहाँ पे लिस्ट है वी कैन ईजिली रिकोगनाइज दिस राइट लेट्स चेक फर्स्ट वन इज ए स्टार्ट विथ एप्पल सॉरी एप्पल स्टार्ट विथ ए और ए एक वॉबल है यहाँ पे ना ए इसलिए ए एक वॉबल है तो उसने वॉबल पे टिक कर दिया तो हम नेक्स्ट वाले में हम भी टिक कर देंगे देखते हैं किस में करना है वेल कैन यू रिकोगनाइज द पिक्चर द पिक्चर इज ऑफ अ डॉग डॉग स्टार्ट विथ डी एंड डी इज अ कॉन्सोनेंट देन वी हैव काइट ओवर ह्योर काइट स्टार्ट विथ के एंड के इज़ अ कॉन्सोनेंट हम कॉन्सोनेंट में टिक कर देंगे यहाँ पर डी है डी डी एक कॉन्सोनेंट है तो फिर से हम यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट पे टिक कर देंगे नाउ दिस इज गोट एंड गोट स्टार्ट्स विथ जी इसलिए हम कॉन्सोने जी तो यहाँ है ना देखो कहाँ है ये है जी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हम कॉन्सोनेंट पे टिक करेंगे यहाँ पर जी लिख कर देन वी हैव अम्ब्रेला राइट एंड दैट स्टार्ट्स विथ यू एंड यू इज अ वावल तो हम यहाँ पर यू लिख के वॉवल पे टिक कर देंगे देन वी हैव एग एग स्टार्ट होता है ई से इसलिए ई लिख कर वावल से, वावल पे टिक कर देंगे सो so, हमने कॉन्सोनेंट और वॉवल यहाँ पे लर्न कर लिया अब आता है नेक्स्ट पेज नेमिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेट साउंड टेक ए बिफोर दैम नेमिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद वर्वल्स साउंड टेक एन बिफोर दैम अब यहाँ पर हम ऑलरेडी ए और एन के बारे में पढ़ चुके हैं जो भी वर्ड्स जो भी नेमिंग वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उसके आगे हम ए लगाते हैं और जो वर्वल्स से स्टार्ट होते हैं उसके आगे हम एन लगाते हैं राइट जैसे यहाँ हॉर्स की पिक्चर है हॉर्ज हॉर्स स्टार्ट होता है एच से इसलिए उसके आगे हम ए लगाएँगे देन वी है शॉप स्टार्ट होता है एस से इसलिए उसके आगे भी हम ए लगाएंगे फिर प्लेयर है टाइगर है कौन है ये तीनों भी कॉन्सोनेंट वाले लेटर से स्टार्ट होते हैं इसलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे ठीक है देन एस ऑफिस अम्पायर एलिफेंट आइसक्रीम ये सब भी वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं ए से ओ से यू से ई e से एंड आई से ये सारे के सारे वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए इसके आगे हम एन लगाएंगे ओके हमने पहले ही रूल पढ़ लिया है कि हमको ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स के आगे हम एन लगाते हैं ठीक है ओके टेस्ट योर सेल्फ चलो हम टेस्ट करते हैं अब क्या टेस्ट करना है देखते हैं पुट ए और एन बिफोर ईच ये जो वर्ड्स दिए हैं ना इसके आगे हमको चेक करना है कि ए लगेगा या एन लगेगा सबसे पहला क्या है एक्टर एक्टर ए से स्टार्ट हो रहा है और ए एक वोवल है इसीलिए एन एक्टर देन बनाना बी से स्टार्ट होता है दैट्स अ कॉन्सोनेंट इसलिए हम उसके आगे ए लगाएंगे व ऑरेंज देट स्टार्ट विथ ओ उसके आगे हम एन लगाएंगे एन ऑरेंज देन वी हैव बाइसिकल बा हम उसके आगे ए लगाएंगे क्योंकि बी इज अ कॉन्सनेंट राइट देन वी हैव आर्टिस्ट आर्टिस्ट स्टार्ट विथ ए एंड ए इज अल तो इसीलिए वोवल के आगे हम वॉवल वाले वर्ड के आगे हम एन लगाएंगे वैसे ही हमारे पास मैंगो है और मैंगो के आगे हम ए लगाएंगे क्योंकि एम इज अ कॉन्सोनेट राइट देन वी हैव सम मोर एक्सरसाइजेस विच विल बी सेंट इन द नेक्स्ट वीडियो ओके टिलन बाय बाय कीप लर्निंग